हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन द वर्चुअल ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट आपका मैं स्वागत करती हूँ वर्चुअल ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको चैप्टर 3 की बैक एक्सरसाइज की रिवीजन करवाऊंगी। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे फिलअप्स। फिलअप्स में फर्स्ट पॉइंट है, यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट लुक प्रोफेशनल बाय यूटिलाइजिंग द डैश एंड डैश। आप अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रोफेशनल लुक दे सकते हो, किसकी हेल्प से? हेडर एंड फुटर की हेल्प से। सेकेंड है, टू एडिट हेडर एंड फुटर डैश एनी वेयर ऑन द हेडर एंड फुटर। अगर आपको हेडर और फुटर में कुछ एडिट करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करना है? डबल क्लिक। क्या करना है आपको? डबल क्लिक करना है। थर्ड, एन अल्टरनेटिव वे टू मॉडिफाई योर पेज नंबरिंग इज़ बाय यूजिंग। अगर आप अपने पेज की नंबरिंग को चेंज करना चाहते हो, तो उसका एक और दूसरा तरीका क्या है, आप क्या यूज़ करेंगे? सेक्शन ब्रेक। क्या यूज़ करेंगे आप? सेक्शन ब्रेक। उसके बाद है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ मेल मर्ज यू विल नीड अ डैश एंड डैश। जब आप मेल मर्ज को यूज़ करते हो, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? वर्ड डॉक्यूमेंट एंड रेसिपिएंट लिस्ट। किस किस की ज़रूरत है? वर्ड डॉक्यूमेंट एंड रेसिपिएंट लिस्ट की ज़रूरत है। आगे हम देखेंगे ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, हेडर एंड फुटर जनरली कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज द पेज नंबर, डेट एंड डॉक्यूमेंट नेम। कह रहे हैं हेडर और फुटर के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे पेज नंबर, डेट एंड डॉक्यूमेंट नेम। यस, ये सब इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इसलिए ये क्या है? ट्रू। उसके बाद है, टेक्स्ट एंटर्ड इन द हेडर एंड फुटर विल नॉट अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो टेक्स्ट आप ऐड करोगे, वो आपके हेडर और फुटर के हर एक पेज पर नज़र नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आफ्टर यू क्लोज द हेडर एंड फुटर इट विल स्टिल बी नॉन विजिबल बट इट विल बी लॉक्ड। जब आप हेडर और फुटर को क्लोज कर देते हो, तो ये कह रहा है कि वो सिर्फ दिखाई नहीं देता, लॉक हो जाता है। गलत, जब आप क्लोज कर रहे हो तो वो क्लोज ही हो जाता है, इसलिए ये भी क्या है? फॉल्स। फोर्थ है, द मेल मर्ज टास्क पेन अपीयर एंड विल गाइड यू थ्रू द 6 मेन स्टेप्स टू कम्प्लीट अ मर्ज। जब कभी भी आप मेल मर्ज ओपन करते हो, तो राइट साइड पर एक टास्क पेन अपीयर हो जाता है, जो आपकी हेल्प करता है सभी स्टेप्स के अंदर। यस, ट्रू। उसके बाद है आपके पास MCQ। फर्स्ट है, इट इज़ अ सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन द टॉप मार्जिन। ये डॉक्यूमेंट का वो सेक्शन है जो टॉप में नज़र आता है, जो ऊपर नज़र आता है उसको हम बोलते हैं हेडर। ठीक है, सेकंड है, इट इज़ अ सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट अपीयर्स इन द बॉटम मार्जिन। जो नीचे की तरफ नज़र आता है, उसे हम क्या कहते हैं? फुटर। ठीक है, थर्ड है आपके पास, इट इज़ अ यूजफुल टूल दैट विल अलो यू टू ईजिली प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, लेबल्स, एनवेलप एट्सेट्रा। ये एक ऐसा यूजफुल टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? लेटर बना सकते हो, लेबल बना सकते हो, एनवेलप्स बना सकते हो, और भी बहुत सारे आप काम कर सकते हो। इसका आंसर है आपके पास मेल मर्ज। फोर्थ है आपके पास, फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा फाइल कैन बी यूज इन मेल मर्ज। मेल मर्ज के अंदर कौन सी डाटा फाइल यूज़ होती है? MS Access, MS Excel, MS Word, ऑल ऑफ दीज। क्या होता है? ऑल ऑफ दीज। हम MS Access भी यूज़ कर सकते हैं, MS Excel भी यूज़ कर सकते हैं, MS Word भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हम तीनों के तीनों चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे हम हॉट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट है, सुशील वांट्स टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे विद हिज फ्रेंड। सुशील अपने फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है। ही वांट्स टू गिव इम्पॉर्टेंट इन्विटेशन बाय डिज़ाइनिंग एंड टाइपिंग द मैटर्स हिमसेल्फ। वो इन्विटेशन कार्ड अपने आप लिखना चाहता है। हाउ कुड ही फुलफिल द पर्पस। इस पर्पस को वह कैसे पूरा करेगा? वो क्या यूज़ करेगा? मेल मर्ज ऑप्शन। ठीक है, सेकंड है, अनीता इज़ मेकिंग अ कंप्यूटर प्रोजेक्ट अ फाइल विच कंटेन्स 5 to 10 पेजेस। अनीता एक कंप्यूटर का प्रोजेक्ट बना रही है फाइल के रूप में, जिसमें 5 से लेकर 10 पेज हो सकते हैं। शी वॉन्ट्स टू ऐड द पेज नंबर एट द बॉटम ऑफ द पेज। वो हर एक पेज का पेज नंबर नीचे की तरफ ऐड करना चाहती है, और जो हेडिंग है वो हर एक पेज के ऊपर टॉप पर ऐड करना चाहती है। तो कौन सा ऑप्शन उसको यूज़ करना चाहिए? हेडर एंड फुटर ऑप्शन उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये आपकी आज के इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज फिनिश हो गई। ओके बेटा।